वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंकल जॉइंट और फुट का स्कैन कैसे करते हैं, सीटी स्कैन। ये हम सीमेंस मशीन में 96 स्लाइस की मशीन है उस पर काम कर रहे हैं, उसी की बात कर रहा हूँ। जी पे अलग प्रोटोकॉल होता है, ये मैं सीमेंस मशीन की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम स्कैन की बात कर लेते हैं, जिसमें पहले स्कैन में मैंने बता दिया था कि स्कैन कैसे लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक पोजिशन देते हैं। उसके बाद की बात थी कि 3D कैसे बनाते हैं और इमेज कैसे देते हैं। ओके, तो मैंने 3D बना रखी है, फिर भी आपको एक बार रिपीट बता देता हूँ। 3D बनाने के लिए सबसे पहले हमको एंकल जॉइंट का जो थिन विंडो है वो हमें यहाँ पे ले लेना है। ये हमारा थिन विंडो है, ये बोन विंडो है। थिन विंडो हमें यहाँ पे लेके ड्रैगन ड्रॉप करना है यहाँ पे। ये हमारा थिन विंडो आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमको 3D वाला जो ये है, किसी में भी आप एक पे सेलेक्ट करके यहाँ पे जो VRT है, VRT देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये 3D बन जाएगा। यहाँ पे टेबल भी होगी तो उसको हमें यहाँ पे टेबल रिमूव दिख रहा है, यहाँ पे रिमूव टेबल, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे रिमूव टेबल रिमूव हो जाएगी। उसके बाद हमारा 3D बन गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती 3D बनाने में। बस प्रिंट कहाँ से कहाँ तक देनी है वो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी इमेज हमको देनी है। ये हमारा थोड़ा सा शेडो आ रहा है, तो इसको माउस पे क्लिक करके कर्सर को दबा के थोड़ा सा ऊपर करेंगे स्क्रॉल, तो शेडो हट जाएगा। अभी हमें यहाँ पे देखिए, ये इसका जो कैल्केनियम है ये भी फ्रैक्चर है थोड़ा, और जो हमारी मेटाटार्सल बोन है वो भी, और जो हमारा मेटाटार्सल बोन है उनका जॉइंट है वो भी यहाँ पे हट गया है। तो वो दिखाने के लिए हमको सबसे पहले हमको ये वाली पोजीशन में हमको इसको सेलेक्ट करना है और एस दबाएंगे, एस यहाँ पे एस दबाएंगे तो यहाँ पे सेव इमेज हो जाएगी। ये देखिए इमेज सेव हो गई ये वाली पोजीशन में, और थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर की तरफ राउंड करके ताकि ये जॉइंट देके डॉक्टर को इसको भी सेट कर लेंगे। जैसे आपकी फ्रैक्चर वगैरह दिख रहा है उसी को आप सेलेक्ट करिए, बाकी फालतू तो चीज़ें देने को जरूरत नहीं है। और मैं एक पोजीशन और दे देता हूँ यहाँ पे, ये वाली लेटरल में थोड़ी, ओके, ताकि ये दिखे। ऐसे ही आपको सेलेक्ट कर लिया है इमेज, यहाँ पे भी दिख रहा है ऐसे में, ओके, ऐसे जैसे आप सेट करना चाहो। बाकी ऑटो भी कर सकते हो, यहाँ पे ऑटो का भी मैंने बता रखा है पहले से कि ऑटो करने के लिए सबसे पहले हमको जो कोरोनल है उसमें सेट करके रेडियल है वो सेट करेंगे। ओके, हम ऐसे भी दे सकते हैं और वैसे भी दे सकते हैं, जितने हम सेट करेंगे वही अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि उसमें हम डॉक्टर को बता पाएंगे कि कैसे हमको कहाँ पे फ्रैक्चर है क्या है। तो ऐसे सेट करके हम प्रिंट ये दे सकते हैं। बाकी रही बात अभी एक्जियल सेज कोरोनल की, तो उसके लिए हमको जो बोन विंडो है, ये वाला बोन विंडो, इसमें से हमको एक्जियल सेज कोरोनल देना होगा। तो कहाँ से कहाँ तक देंगे, सबसे पहले हम एक्जियल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम दे देते हैं एक्जियल 29 29, ओके, और ये सेलेक्ट करेंगे ऊपर से पूरा फुट, टीबिया फिबुला तक हम ले लेंगे इसका। ओके, जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर करेंगे इसमें, और ये स्टार्ट कर देंगे। ओके, ऐसे ही हमको जो कोरोनल है वो भी ले लेनी है। फालतू चीज़ें सर्व करके कोई दिक्कत नहीं है, जितना हमको चाहिए डॉक्टर को दिखना चाहिए कि यही चीज़ फ्रैक्चर है। हमको डॉक्टर को क्लियर दिखाना है कि कहाँ से कहाँ तक फ्रैक्चर है क्या है। तो ये मैं पूरा फुट कवर कर लेता हूँ, पीछे कैल्केनियम भी कवर कर लेता हूँ स्टार्ट। ये आप 18 भी ले सकते हो, 15 भी ले सकते हो, जैसे आप आपके लेआउट है वैसे आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं 1:18 ही सजाइटल ले लेता हूँ और इसको कवर कर लेता हूँ यहाँ से।
ये हमें पूरा इतना सेट करके सबसे पहले टोपोग्राम ले लेना है, उसके बाद जो हमारी एक्जिल इमेज है वो ले लेनी है, कोरोनर ले लेनी है और सजाइटर ले लेनी है। प्रिंट सीरीज में जाना है, वही रूटीन है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जो पहले से करते आए हम। हमने ली थी 29, तो हम यहाँ पे 5x6 वाला है पहले ले लेते हैं, उसमें थोड़ा जूम कर लेते हैं सबको। ओके हो गया, नाम हटाना है तो हटा सकते हैं। ऐसे 18 वाला लिया था, उसमें भी 6x6 वाला लेआउट लेके उसको भी पूरा जूम कर देंगे। बस यही बन गई हमारी इमेज, ये दे देनी है, 3D भी दे देनी है अगर ज़्यादा फ्रैक्चर है तो। अभी मेरे को देना नहीं है इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कोई नए सिटी स्कैन के साथ। कमेंट में बताइए आपको किसी दिक्कत स्कैन में दिक्कत आ रही है कुछ, तो आपकी ज़रूर ज़रूर हेल्प करूँगा। मेरा MS रेडियो डिपार्टमेंट एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, उस पर भी आप कर सकते हो मेरे को कमेंट्स या मैसेज कर सकते हो, उस पर जाके आपकी पूरी पूरी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच।